सो गाइज, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं गाइज, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियोस हो सकती है, बट गाइज आप एक वीडियोस को अगर पूरा देख लेते हैं, अगर शुरू से एंड तक देख लेते हैं, तो गाइज आपको कोई कभी भी आपको थंबनेल क्रिएट करना मतलब देखना नहीं पड़ेगा कि मतलब कैसे थंबनेल को क्रिएट किया जाता है जो प्रोफेशनल तरीके से, और कैसे गाइज एक्सपोर्ट भी आता है जो कि हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट किया जाता है, उसी को मतलब उसको भी बताऊँगा कैसे आपको एक्सपोर्ट भी करना है। तो गाइज वीडियोज़ थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहेगा, और गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज की इस वीडियो में बताएंगे आपको एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाना। तो आप लोग गाइज सोच रहे हो कि ये मतलब रिपीट कर रहा है, तो गाइज आपको बता दूं कि मैं गाइज रिपीट नहीं मतलब रिपीट कर रहा हूँ, बट मैंने गाइज जो भी मैं अच्छी मतलब अच्छी एडिटिंग सीखता हूँ, या मतलब थंबनेल बनाना हो गया, एडिटिंग हो गया, वो मैं जो भी सीखता हूँ तो सोचता हूँ कि आप लोगों को बता दिया जाए। जैसे मतलब मैं भी छोटा यूट्यूबर हूँ, कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, तो मैं जो भी सीखता हूँ ना सोचता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए कि मतलब मैंने गाइज क्या ट्राई किया, जिससे मतलब थोड़ा सा मेरे जो क्लिक थ्रू रेट होता है, जो मतलब थंबनेल होता है, तो गाइज थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, कैसे थंबनेल को अपनी क्रिएट करता हूँ। तो गाइज इस वीडियो में यही बताएंगे, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़ एक लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइज आपको पता है कि हमारा जो थंबनेल होता है, सबसे मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन यही होता है हमारा थंबनेल। क्लिक कराने के लिए आपको थोड़ा सा थंबनेल में थोड़ा सा क्लिक मतलब क्लिकेबल थंबनेल बनाना होता है कि हाँ, अगर आप बड़े यूट्यूबर होते हैं, थोड़ा सा आप थंबनेल भी नहीं लगाएंगे ना, अगर इसी तरह से वीडियोस अपलोड कर देंगे थोड़ा मोड़ा लिख कर, तो टाइटल भी थोड़ा लिख देंगे, तो आपका वीडियोस वायरल हो जाएगा, मतलब अच्छे खासे व्यूज आ जाएंगे। लेकिन आप नए यूट्यूबर हैं, नए क्रिएटर हैं, तो गाइस थोड़ा सा आपको क्लिकेबल आपको थंबनेल बनाना होगा। मेरे थंबनेल में आप देख सकते हैं कुछ मतलब इम्प्रूव हो चुके हैं, पहले से पहले कैसे थंबनेल थे, लेकिन आपके थंबनेल में थोड़ा सा गाइस डिफरेंस हो चुका है। तो गाइस चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और बताते हैं कैसे अपने थंबनेल को गाइस क्रिएट करता हूँ, एंड गाइस मतलब क्या क्या तरीका अपनाता हूँ जिससे मेरे थंबनेल में थोड़ा सा इम्प्रूव आता है, थोड़ा सा थंबनेल मेरा जो ही क्लिकेबल लगता है।
ऐसा करता हूँ कि आप गाइज वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑल पर सेलेक्ट करें, क्योंकि गाइज मैं इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के लिए हमेशा प्रोवाइड करता हूँ। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।